ओपी क्षेत्र के खेड़ा बेड़ा गांव निवासी साधन गोप ने बरमसिया ओपी में आवेदन देकर अपने ही गांव के सुनील गोप समेत तीन लोगों पर हार्वे हथियार से मारपीट एवं गाली गलौज करने का मामला दर्ज कराया है। दर्ज आवेदन में साधन गोप ने बताया है कि सोमवार को वे अपने पुराने घर से नए घर की ओर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे सुनील गोप, सुभाष गोप व जगदीश गोप ने उन्हें घेर कर हार्वे हथियार से हमला बोल दिया, जहां वे घायल होकर गिर गया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पत्नी तथा बेटा आने पर वे तीनों भाग खड़ा हुए एवं घर के अंदर से पत्थर फेंकने लगे तथा गाली गलौज करने लगे। साधन को घायल अवस्था में ही खून से लथपथ उनके परिजनों ने आनन फानन में बरमसिया ओपी लाया, जहां से उन्हें इलाज के लिए सीएचसी चंदन क्यारी भेज दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की प्रक्रिया में जुटी है। चंदन क्यारी से संजय मेहता की रिपोर्ट। क्या हुआ आपको क्या हुआ? हमको सुभाष गुप्त मारा। काहे मारा? काहे मारा? हमको वैसा ही मार दिया, वैसा ही मार दिया। पूरा शरीर में आपका खून है? ये तो बहुत जबरदस्त मारा है। बहुत जबरदस्त मारा है, कुल्हाड़ी से मारा है। कुल्हाड़ी से? हाँ, फरसा था। किस कारण से मारा आपको? कुछ कारण नहीं बुझा। नहीं नहीं, हम काम कर रहा है। क्या काम? क्या कर रहे थे? हम अपने गोबर फेंक रहा है खेत में। अच्छा, झुड़ी लेके। हम कुछ नहीं जानता है, हमको मार दिया। कौन कौन मारा? सुभाष गो और सुनील गो। हाँ, और ये मान लीजिए जगदीश गो। अच्छा, अब गुंडू वाला गो, सरस्वती गो। बाप रे, इतना लोग मिल के मारा? मिल के मारा। ठीक है, क्या मांगे? आप कहाँ घर है आपका? खेड़ा बड़ा। खेड़ा बड़ा? हाँ। क्या मांग लो? सुभाष है। सुभाष कैसे झगड़ा हो? झगड़ा नहीं, गोबर फेंकते चले खेते, ताकल हुआ ऐसे मान। अच्छा, ठीक है। थाना करे से एफआईआर करी? हाँ, एफआईआर करी थी। अच्छा, थाना जाओ। ठीक ठीक अच्छे ठीक बोले ट्रीटमेंट करो। हाँ, एकदम एकदम ठीक है, शांति था। माथा पड़े नहीं थे? हाँ, पूरा ही मारी थी, पूरा ही। माथा चोट वोटर पर ही था। हाँ, ठीक ठीक।